खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यानी कि आज संसद में बजट पेश किया। हम आपको बता दें कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। बजट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीयों को पर्याप्त जल उपलब्ध करना सरकार का काम है। इसके लिए मुख्य कदम उठाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जल की मांग और आपूर्ति पर काम करेगा। कृषि में व्यापक निवेश किया जाएगा। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अगले 5 वर्षों में 10,000 संगठन बनाने का प्लान बनाया गया। आने वाले समय में किसानों के लिए बजट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजाना 135 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया। गांव को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक लाभ मिलने की बात कही गई। 5 साल में अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर हुई। इस बार बजट का नाम बदलकर वही खाता रखा गया। 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध करवाने का विचार करा गया। बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की बात कही गई। खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन पर विचार किया गया। सरकार पानी और गैस के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना पर काम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं पर और मेहनत करने की जरूरत पर बात कही गई। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिजली टैरिफ में बड़े बदलाव की योजना पर जल्द ही सरकार काम करेगी। महिलाओं की गरिमा के लिए सभी घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया। देश में लाइसेंस राज खत्म होने की भी बात कही गई। 12 साल में रेलवे में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया। पीपी मॉडल को दी गई मंजूरी। किराए के मकान के लिए जल्द ही आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा। ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़कर 3.5 लाख हुई। अब हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की मिलेगी छूट। बैंक अकाउंट से 1 वर्ष में 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 2% TDS का प्रस्ताव रखा गया। 45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की अब मिलेगी छूट। 120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास आधार कार्ड मौजूद और साथ ही अब लोग आधार कार्ड से भी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो 4 लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया है। एनपीए में 1 लाख करोड़ की गिरावट आई है और सरकारी बैंकों की स्थिति भी सुधरी है। सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ की मदद दी गई। सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।